देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन टू। ठीक है, कंस्ट्रक्ट पीडीएफ फॉर द लैंग्वेज एल इक्वल्स टू डब्ल्यू सी डब्ल्यू रेस्ट टू पावर आर वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू जीरो प्लस वन का स्टार। देखिए इधर डब्ल्यू हमारी क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है। तो बेटा ये जो पैटर्न हुआ डब्ल्यू सी डब्ल्यू रेस्ट टू पावर आर, तो बेटा ये डब्ल्यू रेस्ट टू पावर आर यानी होता है रिवर्स। ठीक है, तो यानी होना क्या चाहिए, जो भी हमारी स्ट्रिंग आ रही है उसके बाद एक सी नाम का सेपरेटर आना चाहिए और उसके बाद हमारे उसके क्या आनी चाहिए, रिवर्स आना चाहिए। इस टाइप की हमारी ये लैंग्वेज है। अच्छा, ये जो W नाम की स्ट्रिंग है वो किसकी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन। बेटा वो इप्सिलॉन भी हो सकता है क्योंकि W जीरो प्लस वन का स्टार इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये जीरो प्लस वन का स्टार क्या होता है, ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको बताया था कि जीरो प्लस वन का स्टार होता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस इंक्लूडिंग इप्सिलॉन, यानी कि वो जीरो और वन से बने हुए कॉम्बिनेशन की सभी स्ट्रिंग्स क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है जीरो लेंथ की भी। जीरो लेंथ का मतलब होता है इप्सिलॉन, यानी कि इट मींस की लैंग्वेज में क्या आना चाहिए, लैंग्वेज में आना चाहिए पहले जो भी स्ट्रिंग आ रही है, सपोज मैंने लिया 0011, ठीक है, तो उसके बाद एक ये सी आएगा और इसका 0011 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1100। अच्छा, कभी आएगा 01 सी 10, कभी आएगा 10 सी 01, कभी आएगा 1111 सी 0 ओ एक मिनट इसका रिवर्स, तो 1111 एंड सो ऑन। यानी कि क्या होना चाहिए, जो भी W नाम की स्ट्रिंग है उसके बाद बीच में एक C आना चाहिए सेपरेटर, उसके बाद उसका क्या आना चाहिए, रिवर्स आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, लॉजिक डिसाइड करना है और PDA बनाने के लिए मुझे उसके ट्रांजेक्शन फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, यानी कि उसके ट्रांजेक्शंस लिखने हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पे हम क्या ऐसा लॉजिक नहीं लगा सकते कि यहाँ पे जीरो के लिए हम कैपिटल A पुश कर देंगे और वन के लिए हम क्या कर देंगे, कैपिटल B पुश कर देंगे। यानी मैं आपको रफ वर्क करके बताता हूँ। सपोज मैंने बोला 0011 सी 1100 दिस, तो मैं बोल देता हूँ कि लॉजिक हम ऐसा लगाएंगे कि जीरो आया तो A पुश करो, फिर से जीरो आया तो A पुश करो, और अगर वन आया तो B पुश करो, वन आया तो B पुश करो, ठीक है, फिर C आया तो कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना यानी स्टेट चेंज कर देना, क्योंकि हमें एक ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कब तक हमें पुश करना है और कब से हमें क्या करना है, पॉप करना है। अरे आ रही है बात समझ में, तो ये सी दिखा तो कुछ भी नहीं करना, स्टैक पे क्या करना, नो चेंजेस एट ऑल, ना पुश करना ना पॉप करना। ठीक है, इसको डायरेक्टली प्रोसेस कर लेना, और उसके बाद अगर यानी सी के बाद अगर वन आता है और स्टैक पे बी है तो पॉप करो, वन आता है बी है तो ही पॉप करो, जीरो आता है ए है तो ही पॉप करो, जीरो आता है ए आता है तो ही पॉप करो। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पॉप करने का रिस्ट्रिक्शंस है क्या, कि अगर वन दिखता है और बी है तो ही पॉप करो, जीरो दिखता है ए है तो ही पॉप करो। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जीरो दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। ठीक है भाई, जीरो दिखा बी दिखा, इन दोनों को हम नहीं कर सकते, यानी कि पॉप पे ये पॉप का क्राइटेरिया क्या रहेगा, वन के लिए बी और जीरो के लिए ए। अरे आ रही है बात समझ में, ऐसा करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्ट्रिंग हमारी ख़त्म हो जाएंगी और स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके ट्रांजेक्शन्स क्या आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कितने आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें हर एक स्ट्रिंग, ये W कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है, हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे हमें कवर करके लिखना है। आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि डायरेक्टली लिखता हूँ मैं ट्रांजेक्शन्स, लिख लीजिएगा आप डेल्टा मैपिंग इस Q0 को इनिशियली क्या दिखेगा। ठीक है बेटा, Q0 को इनिशियली जीरो भी दिख सकता है और Q0 को इनिशियली क्या दिख सकता है, वन भी दिख सकता है। दोनों ही सिचुएशन में स्टैक के टॉप पे क्या रहेगा, Z0। मुझे बताइए, ये W नाम की स्ट्रिंग जीरो से भी शुरू हो सकती है, वन से भी, पर जब भी वो पहला कैरेक्टर प्रोसेस करेंगी तब स्टैक पे क्या रहेगा, Z0 रहेगा। तो मुझे बताइए, अगर जीरो आता है तो क्या करना है, बेटा जीरो आता है तो हमें इसके लिए ए पुश करना है, और अगर ये आता है वन आता है तो हमें क्या करना है, बी पुश करना है। मुझे बताइए ये बात समझी क्या, इन दोनों में से एट अ टाइम कोई भी एक ही रन होगा, इनमें से एट अ टाइम क्या होगा, कोई भी एक ही
रन होगा। अरे आ रही है बात समझ में, ये दो इनिशियल मैंने लिखे। उसके बाद सेकंड सिंबल ये हो गया फर्स्ट, इन दोनों में से कोई भी एक ही रन होगा बेटा। अगर वो स्ट्रिंग जीरो से शुरू हो रही है तो ये, वन से शुरू हो रही है तो ये। अब मुझे बताइए, एक पहला सिंबल प्रोसेस हो गया तो रिमेनिंग सिंबल के टाइम पे क्या जेड जीरो रहेगा क्या स्टैक पे? बिल्कुल नहीं। तो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन क्या रहेंगे? देखिए रिमेनिंग ट्रांजेक्शन मैं लिख देता हूं, यानी कि Q0 को यहां तो जीरो दिखेगा, स्टैक पे A पड़ा रहेगा, ऐसा हो सकता है। या फिर Q0 को जीरो दिख रहा है, स्टैक पे B पड़ा है, अरे भाई कुछ भी हो सकता है। अरे आ रही है बात समझ में? या फिर ये ऑल पॉसिबिलिटीज हमें निकालनी पड़ेंगी कि Q0 को वन दिख रहा है और स्टैक पे क्या पड़ा है? A पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा, Q0 को वन दिख रहा है और स्टैक पे क्या पड़ा है? बी पड़ा है। बेटा कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको करके बताता हूँ। जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन जीरो, वन वन वन, जीरो जीरो जीरो, और उसके बाद सी, फिर इसका रिवर्स लिखना शुरू कर दीजिए। जीरो जीरो जीरो, वन वन वन, जीरो वन, जीरो डबल वन, नेक्स्ट जीरो वन जीरो। देखिए इधर ये अब किसके बाद भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चारों ही पॉसिबिलिटीज हमारी पहले सिंबल को छोड़ के रिमेनिंग के लिए क्या हो सकती है? यूज हो सकती है। पर हमें करना क्या है बेटा? सी के पहले की बात हो रही है, सेपरेटर के पहले की, तो हमें सिंपली क्या करना है? जीरो के लिए क्या करना है? जीरो के लिए हमें ए पुश करना है। तो बेटा ये ए ऑलरेडी एज इट इज, ये जीरो को देख के मैंने ए पुश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जीरो को देख के मैंने क्या कर दिया? ये बी एज इट इज, बी के सामने हमने क्या कर दिया? ए पुश कर दिया, क्योंकि हमने लॉजिक तो यही तय किया हुआ है कि हम जीरो के लिए ए पुश करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्यू जीरो स्टेट चेंज नहीं करनी है, स्टेट चेंज करनी है बेटा सी को देख के, सेपरेटर को देख के, ध्यान में रखिए ये बात। अब मुझे बताइए वन आ रहा है स्टैक पे, ए पड़ा है, बेटा ये ए तो एज इट इज, ये वन की वजह से हमें क्या करना है? बी पुश करना है। अरे भाई ये बी तो एज इट इज, ठीक है, पर ये वन को देख के मुझे क्या करना है? बी पुश करना है। यानी कि अब इसमें क्या हो गया कि ये फर्स्ट को छोड़ के ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग की ऑल पॉसिबिलिटीज हमारी यहाँ पे कवर हो गई। जीरो आएगा तो ए पुश होते जाएगा, वन आएगा तो बी पुश होते जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ये कर देता हूँ सेपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेवन, अब मुझे बताइए ये पूरे प्रोसेस हो गए तो क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। अब मुझे बताइए ये जो सी आएगा, ये सी कैसे आएगा? यानी कि मैंने बोला क्यू जीरो को हम क्या दिखेगा? सी दिखेगा, पर तब स्टैक पे ए भी हो सकता है और एट, या तो क्यू जीरो को जब सी दिख रहा है तब बी भी हो सकता है। यानी कि देखिए इन दोनों में से भी ट्रांजेक्शन रन तो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक ही होगा, पर बेटा हमें लिखने तो दोनों पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब ये सेपरेटर आ रहा है तब ए पड़ा हो स्टैक में या फिर बी पड़ा हो, ठीक है। पर इन दोनों ही सिचुएशन में हमें करना क्या है बेटा? स्टेट चेंज करनी है, ठीक है, स्टेट चेंज करनी है। पर स्टैक में कुछ चेंज करना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो ए है ये ए को ए ही रहने दीजिए, ये बी को बी रहने दीजिए, सिर्फ क्यू जीरो को मैंने क्या कर दिया? क्यू वन कर दिया। मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी फर्स्ट प्रॉब्लम में, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई पुश करने का ट्रांजेक्शन कैसे लिखा जाता है, भाई ये ए है, ये ए एज इट इज, इसके सामने हमने कुछ लिखा है तो हमने पुश किया, या फिर पॉप करना है तो पॉप करने के लिए सपोज मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता था इप्सिलॉन, भाई ये मैंने ए क्या कर दिया? पॉप कर दिया। पर कुछ भी नहीं करना है, इसका मैंने आपको प्रोविजन नहीं बताया था पहले प्रॉब्लम में। तो अगर हमें स्टैक की सिचुएशन को कुछ चेंज नहीं करना है तो सिंपली जो सिचुएशन थी स्टैक की वही सिचुएशन, यानी जो स्टैक का टॉप था करंटली भी अब वही रहना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो बेटा ये दो ट्रांजेक्शन हमारे फिर से हो गए काय के लिए? सेपरेटर के लिए स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज इसलिए हुई क्योंकि अभी हमें पता चलना चाहिए कि बेटा अब हमें पॉप करना शुरू करना है। बेटा पॉप करने के लिए क्या लॉजिक है? पॉप करने के लिए भी दो लॉजिक है। क्या? कि अगर Q1 को अगर जीरो दिखता है, A पड़ा है तो ही पॉप होना चाहिए, या फिर Q1 को वन दिखता है, B पड़ा है, ये दो ही सिचुएशन में पॉप होना चाहिए। तो बेटा पॉप होना चाहिए तो ये हो जाएगा Q1 epsilon, ये भी हो जाएगा Q1 epsilon, यानी कि जीरो आया B पड़ा है epsilon पॉप कर दो, जीरो आ रहा A पड़ा है epsilon यानी कि पॉप कर दो, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखिए इसके लिए हमने दो ट्रांजेक्शन लिख दिए, ठीक है।
नेक्स्ट इसके लिए हमने एक ट्रांजेक्शन लिखा, इसके लिए हमने चार ट्रांजेक्शन लिखे। अब मैंने ये जो दो ट्रांजेक्शन लिखे ना बेटा, वो इनमें ये सभी केसेस क्या हो गई, कवर हो गई। आ रही है बात समझ में? अब अगर ये सभी केसेस कवर हो गई तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक लास्ट ट्रांजेक्शन कि ऐसा करते गए तो एट लास्ट क्या होने वाला है बेटा, एट लास्ट ऐसा हो जाएगा कि Q1 को क्या दिखेगा, इप्सलॉन, और स्टैक पे क्या दिखेगा, Z0। तो बेटा उसको क्या करना है, Q1 इप्सलॉन यानी कि Z0 को भी क्या कर देना है, निकाल देना है। आ रही है बात समझ में? यानी ये पहले ट्रांजेक्शन्स, ये रिमेनिंग के लिए, ये सेपरेटर के लिए, ये सेपरेटर के बाद के लिए, और ये आखिरी में स्ट्रिंग खत्म होने के बाद। आ रही है बात समझ में? यानी कि जब इप्सलॉन आएगा तब स्टैक पे आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिखना चाहिए, अगर वो वैलिड स्ट्रिंग है, लैंग्वेज की स्ट्रिंग है, तो आपको यही दिखना चाहिए, क्या Z0 दिखना चाहिए, और उसको भी हम निकाल देंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। पर मैं आपको बोलता हूँ कि एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि ये W belongs to 0+1 का स्टार, इसमें से मैं W को जगह पे इप्सलॉन भी ले सकता हूँ, तो कल चल के मैंने ले लिया इप्सलॉन, तो बेटा इप्सलॉन सी इप्सलॉन, तो बेटा ये स्ट्रिंग तो क्या हो गई, सिर्फ और सिर्फ सी, तो बेटा ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होनी चाहिए कि W मेरा क्या है, इप्सलॉन, तो W का रिवर्स भी क्या हो जाएगा, इप्सलॉन, यानी कि सिर्फ सी नाम का सेपरेटर भी आ सकता है। तो बेटा मुझे यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐसा भी लिखना पड़ेगा क्या, कि अगर Q0 को अगर सी दिखता है, ठीक है, और स्टैक पे तब क्या होगा, Z0, तो बेटा तू क्या कर दे, Q1 पे चल जा फाइनल स्टेट पे, और उसको क्या कर दे, Z0 को निकाल दे। तो बेटा ये ट्रांजेक्शन काय के लिए, इसको मेंशन कर देना क्लियरली कि क्या ये ट्रांजेक्शन कब रन होगा, व्हेन W बिलोंग्स टू इप्सलॉन, ठीक है, यानी कि व्हेन W इज एम्प्टी, बस ऐसा लिख लीजिए। अरे आई क्या बात समझ में? तो ये भी एक ट्रांजेक्शन आएगा, टोटल 12 ट्रांजेक्शन आएंगे, वेरिफिकेशन। और ये क्या बोला था मैंने जब लास्ट क्लास में आपका फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था, तभी मैंने आपको बोला था कि वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड मशीन M=7 tuples ये आपको लिखने हैं, ठीक है, और मैंने बोला था कैपिटल एफ की जगह पे क्या लिखा करो, फाइ लिखा करो, ठीक है। वेरिफिकेशन आप ऐसा भी कर सकते हो, सपोज मैंने बोल दिया Q0 0110, बस इतनी सी स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, Q0 को 0 दिख रहा है, इधर ये पड़ा है, तो बेटा ये इधर हो जाएगा AZ0, ठीक है। नेक्स्ट Q0 को 1 दिख रहा है, 1 प्रोसेस हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बताइए C दिख रहा है, तो स्टेट चेंज हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कौन सा ट्रांजेक्शन, आप मैं लिख के देता हूँ कौन सा ट्रांजेक्शन रन हुआ। अब बताइए Q1 को 1 दिखा, B पड़ा है, क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए, ठीक है। Q1 को 0 दिखा, A पड़ा है, क्या होना चाहिए, पॉप होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 इप्सिलॉन यानी कि स्ट्रिंग प्रोसेस। बेटा ये कौन सा ट्रांजेक्शन यूज हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ट्रांजेक्शन यूज हुआ, एक मिनट रुक जाइए, हाँ 0, Q0 को 0 मिला और Z0 पड़ा है, Z0 पड़ा है, यानी यहाँ पे यूज हुआ पहला, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन यूज हुआ वो आप लिख लीजिएगा, और रिक्वायर्ड मशीन M=2 क्या आ जाएगा, क्यू समेशन स्टैक सिंबल और डेल्टा मैपिंग Q0 Z0 और F, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, ये F की जगह पे आपको क्या लिखना है, इन जनरल फाइल लिखना है, और हाँ यहाँ पे लिख लीजिएगा स्ट्रिंग इज प्रोसेस्ड एंड स्टैक इज एम्प्टी, हेंस द गिवन स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, और वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड वाली ही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेटा PDA में यही डिफिकल्टी है कि कितने ट्रांजेक्शन्स आएंगे ये समझना हमें पड़ता है, ठीक है। देखिए एफ ए में भी ये डिफिकल्टी थी, पर मैंने उसका आपको मैंने इजी प्रोविजन निकाल के दिया था। मैंने आपको बोल दिया था कि एफ ए में हम जब एफ ए ड्रॉ करते थे पहले कंपलसरी ट्रांजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, तो उससे क्या हो जाता था, एक डायग्राम का रफ स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता था। फिर मैं बोलता था रिमेनिंग ट्रांजेक्शन हर एक स्टेट की कंप्लीट कीजिए, बात खत्म हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कंपलसरी का कंसेप्ट डाल दिया था कि जो सबसे छोटी स्ट्रिंग है पहले उसके लिए कंपलसरी ट्रांजेक्शन वाली क्या निकाल लीजिए, रफ एफ ए निकाल लीजिए, जिस यानी एक एक ट्रांजेक्शन तो भी निकाल लीजिए, बाकी फिर हम उसको कंप्लीट कर देते। तो वैसे ही यहाँ पे भी कितने ट्रांजेक्शन आएंगे ये हमें सोचना पड़ेगा, हर एक पॉसिबिलिटी कवर होनी चाहिए। ये चारों भी पॉसिबिलिटी एट अ टाइम नहीं होने वाली है, पर हर एक स्ट्रिंग अगर हम प्रोसेस करने लगे तो बेटा ये चारों हमें चाहिए,
आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन टू बहुत ही अच्छे से क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और इसको क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट पीडीएफ फॉर द लैंग्वेज एल इक्वल्स टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए प्लस बी का स्टार। सबसे पहले तो डब्ल्यू क्या होना चाहिए, यानी कि वो स्ट्रिंग काय की होनी चाहिए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग इप्सलॉन ऑल्सो, ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू। यानी कि ऐसी सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए जिसमें क्या आना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी अवेलेबल है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। मैंने बोला भाई ए बी, बी ए चलता है, एक ए एक बी, मैंने बोला ए ए बी बी, ए बी ए बी, बी ए बी ए, यानी कि अगर किसी ने काउंट किया कि ये स्ट्रिंग में एस कितने हैं, टू, बी कितने हैं, टू, इट मीन्स कि दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, यानी ऐसी सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे पीडीएफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखना, यानी कि ट्रांजेक्शंस लिखना। पर बेटा ट्रांजेक्शंस के लिए हमें पहले एक बाय यूजिंग स्टैक क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कि ये स्टैक है, इनिशियली वहाँ पे जेड जीरो रहता है। मैं बोलता हूँ कि ए के लिए क्या कर दीजिए, कैपिटल ए पुश कर दीजिए, बी के लिए क्या कर दीजिए, कैपिटल बी पुश कर दीजिए, यानी कि ए के लिए ए पुश करना, बी के लिए बी पुश करना, ठीक है। और अगर अपोजिट आ जाता है तो उसके लिए पॉप करना। अब ये मैंने क्या बोला आपको बिल्कुल नहीं समझेगा, मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग लिया ए बी, ठीक है, तो ये पहला ए दिखा तो क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए ए, अच्छा, और ये बी दिखा और यहाँ पे स्टैक पे ए पड़ा है तो बेटा क्या कर दीजिए, पॉप कर दीजिए, बात खत्म। यानी कि करना क्या है, हमें एज और बी का काउंट इक्वल है ये काउंट करना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सेम सिंबल आता है, यानी कि सेम सिंबल का मतलब अगर स्मॉल ए आता है और स्टैक पे कैपिटल ए पड़ा है आप पुश कर दीजिए, पर अगर बी आता है ए पड़ा है तो पॉप कर दीजिए। अब अगर इसको अगर आपको क्लियरली समझना है तो मैं आपको ऐसा करके बताता हूँ कि कल चल के स्ट्रिंग अगर ऐसी आ गई ए ए ए बी बी बी, तो बेटा ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ए ए, अच्छा ये तीन हो गए, ए के लिए ए पुश कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बी आता है ए पड़ा है पॉप, बी आता है ए पड़ा है पॉप, बी आता है ए पड़ा है पॉप। अब मैं बोल देता हूँ ऐसा ए ए बी बी, बी बी ए ए, ठीक है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं करके देता हूँ आपको, ये जेड जीरो, देखिए मेरा स्टैक सीधा नहीं है, आपका स्टैक सीधा आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक तो हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है, स्टैक का तो कोई व्यू ही नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये ए आया ए रख दिया, फिर से ए आया ए पड़ा है तो क्या कर दीजिए, पुश कर दीजिए, अपोजिट के लिए पॉप, अरे भाई बी आया ए पड़ा है पॉप, B आया A पड़ा है पॉप, अच्छा अब ये क्या आया B, पर Z0 पड़ा है तो बेटा B आया तो क्या कर देना है, कैपिटल B रखना है, फिर से B आया B पड़ा है, फिर से कैपिटल B रखना है, ठीक है। A आया B पड़ा है, अपोजिट आया पॉप करना है, A आया B पड़ा है पॉप करना है, स्टैक एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। अरे आई क्या बात समझ में, सेम सिंबल, यानी कि स्ट्रिंग में ए आ रहा है और कैपिटल ए पड़ा है तो पुश कर दीजिए, बी आ रहा है कैपिटल बी पड़ा है पुश कर दीजिए, पर अगर अपोजिट आ रहे हैं भाई स्मॉल ए प्रोसेस हो रहा है पर कैपिटल बी पड़ा है स्टैक पे, पॉप कर दीजिए। इससे क्या होते जाएगा, एज और बीज का काउंट इक्वल होते जाएगा और वही हमें करना है। आई बात समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने लिया ए ए बी ए ए बी बी बी, इसको करके देखते हैं, ठीक है, ये फाइनल एग्जांपल है, उसके बाद मैं जल्दी से ट्रांजेक्शन लिख के दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। जेड जीरो, ए आया ए रखिए, अरे भाई ए आया ए पड़ा है, सेम सिंबल पे पुश कीजिए, अरे बी आया ए पड़ा है पॉप करना है, ठीक है, अच्छा ए आया ए आया ए पड़ा है पुश कर दीजिए, ए आया ए पड़ा है पुश कर दीजिए, बी आया ए पड़ा है पॉप, बी आया ए आया पॉप, बी आया ए पड़ा है पॉप, बस बात खत्म, स्ट्रिंग खत्म, स्टैक एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, लिखिए ट्रांजेक्शन जल्दी से, मतलब बताइए डेल्टा मैपिंग। पहला ट्रांजेक्शन, क्यू जीरो को ए मिला तब स्टैक पे जेड जीरो पड़ा रहेगा, या फिर क्यू जीरो को बी मिला तब स्टैक पे जेड जीरो होगा। मुझे बताइए पहला ए या फिर पहला बी, इसके लिए करना क्या है, Q0 A पुश कर देना है, ठीक है, Q0 B Z0। अरे आ रही है बात समझ में, इन दोनों में से कोई भी एक।
अच्छा सेम के लिए पुश करना है, सेम के लिए पुश करना है, यानी Q0 को A मिल रहा, A पड़ा है, और Q0 को B मिल रहा है, B पड़ा है, तो बेटा पुश करना है, पुश करना है। देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज का कोई मैटर ही नहीं है, यहाँ पे कोई सेपरेटर सेपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी स्टेट चेंज का कोई मैटर नहीं है, एक ही स्टेट से आप सब करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q0 A A, यहाँ पे आ जाएगा Q0 B B, यानी ये पीछे वाला B as it is, इसके सामने हमने एक B इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि सेम सिंबल के लिए हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, आ रही है बात समझ में। और क्या करना है, अपोजिट के लिए पॉप करना है, अपोजिट के लिए पॉप करना है का मतलब क्या कि A आ रहा कैपिटल B पड़ा है, ठीक है, और B आ रहा A पड़ा है, तो क्या करना है बेटा, तो पॉप करना है, यानी ये इप्सलॉन और ये इप्सलॉन, ऐसा करते गए करते गए, तो बेटा एक सिचुएशन ऐसी आएंगी कि Q0 को हमें क्या देखेगा, Q0 को इप्सलॉन देखेगा, तब क्या पड़ा है Z0, और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा Q0 इप्सलॉन। अरे आई क्या बात समझ में, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे W में अगर इप्सलॉन आ गया, A प्लस B के स्टार में से इप्सलॉन आ गया, तो बेटा इप्सलॉन यानी कि लैंग्वेज में तो हमारा इप्सलॉन भी आ सकता है, तो बेटा डायरेक्ट इप्सलॉन भी आ गया, तो वो ये ट्रांजिशन के थ्रू प्रोसेस हो जाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ इप्सलॉन के लिए कुछ अलग से प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करना है, यही हमारे फाइनल ट्रांजिशन है, ये दो इनिशियल के, ठीक है, उसके बाद तीन चार, ये सेम के लिए पुश, और ये उसके लिए अपोजिट के लिए पॉप, और ये लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए या फिर इप्सलॉन आता है तो उसके लिए, ठीक है। आई बात समझ में, मैं समझता हूँ कि वेरिफिकेशन, और आप रिक्वायर्ड पीडीए लिख सकते हो, कैपिटल एफ की जगह पे फाइल लिख देना, यहाँ पे इनिशियल फाइनल स्टेट ठीक है क्यू जीरो है, पर फिर भी हम कैपिटल एफ की जगह पे क्या लिख देते हैं, फाइल लिखते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग प्रोसेस पूरी हो गई और स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम बोल देते हैं स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। कोई बात नहीं, क्वेश्चन थ्री बहुत ही अच्छे से कॉपी कर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर, फिर से ही क्वेश्चन सेम है, कंस्ट्रक्ट पीडीएफ फॉर द लैंग्वेज ए रेस्ट पावर फोर बी रेस्ट पावर एन सी रेस्ट पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। यानी कि बेटा यहाँ पे ऐसा है कि चार ए आने चाहिए सामने, यानी कि फोर टाइम्स ए, देन इक्वल नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाई इक्वल नंबर ऑफ सीज। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो इस मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग आएंगी, दिस, या फिर ये चार ए के बाद आएगा बी सी, ये चार ए के बाद आएगा सपोज बी 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 पांच बी पांच सी एंड सो ऑन, इस प्रकार की सभी स्ट्रिंग्स आने वाली है। इट मीन्स कि स्टार्टिंग में चार ए आने ही चाहिए। अब ये प्रोविजन हम यहाँ पे कैसे देने वाले हैं पीडीए से, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर चार ए कंपलसरी आनी चाहिए, ये ए रेस्ट टू पावर फोर, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ क्यू जीरो को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब हमारे तीन प्रॉब्लम हो गए हैं, आपको मालूम है पीडीए का बेस क्या है, ठीक है, कोई लॉजिक लगाना नहीं है। ये जो चार एज है, ये चार एज मैं कैसे काउंट करूंगा, बाय यूजिंग ट्रांजेक्शंस मैं स्टेट चेंज करते जाऊंगा, ठीक है, बताता हूं कैसे। यानी क्यू जीरो को ए मिला, इनिशियली स्टैक पे क्या पड़ा रहेगा जेड जीरो, तो मैं बोल देता हूं बेटा तू क्या कर दे क्यू वन जेड जीरो। यानी ये ए को देख के कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया मैंने, स्टेट चेंज किया, तो बेटा ऐसा कर दिया तो सेकेंड ए किसको मिलेगा क्यू वन को, पर अब भी स्टैक पे क्या है जेड जीरो, तो बेटा ये हो जाएगा क्यू टू जेड जीरो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर से क्यू टू को ए मिला, तब भी जेड जीरो पड़ा है, तो बेटा ये हो जाएगा क्यू थ्री जेड जीरो, फिर से क्यू थ्री को मिला ए तब भी जेड जीरो रहेगा, तो वो हो जाएगा क्यू फोर जेड जीरो। यानी कि पहला ए आया तो मैंने स्टेट चेंज की, सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, स्टेट चेंज की, यानी कि चार ए प्रोसेस होने के बाद कंपलसरीली हम कहाँ पे रहेंगे क्यू फोर पे, यानी ये जो बीस है ये क्यू फोर को ही मिलने चाहिए, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ क्यू फोर को क्या मिला पहला बी, तब स्टेक पे क्या है जेड जीरो, तो बेटा तू क्या कर दे, यानी इसने क्या करना चाहिए क्यू फोर बी मिला इसको, तो क्या करना चाहिए इसने बी के लिए, मैं बोल देता हूँ क्या कर दे ए पुश कर दो ये पहले के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब रिमेनिंग बीस, बेटा जब रिमेनिंग बीस आएंगे तब उनको स्टैक पे तो कैपिटल ए दिखेगा, तो बेटा उसके लिए भी हमें क्या करना है पुश ही करना है, ये ए के पहले एक और ए, यानी कि मैंने ये पहले बी को देख के मैंने क्या कर दिया कैपिटल ए पुश किया, फिर दूसरे रिमेनिंग बीस के लिए भी मैंने ए पुश कर दिया। अरे ऐसा करते गए करते गए तो एक टाइम आ जाएगा कि क्यू फोर को क्या मिलना शुरू हो जाएगा सी, स्टैक पे क्या पड़ा होना चाहिए ए, तो बेटा जब इसको पहला सी मिला तो मैंने बोल दिया भाई स्टेट चेंज कर दे और क्या कर दे पॉप कर दे, तो बेटा रिमेनिंग सीज किसको मिलेंगे क्यू फाइव को, तब भी स्टैक पे क्या पड़ा रहेगा ए, तो मैंने बोला भाई क्यू फाइव पे ही रहो वही स्टेट पे और क्या करते जाओ पॉप करते जाओ। अरे आ रही है बात समझ में, यानी ये पहला सी पॉप किया तो मैंने स्टेट चेंज कर दी, बाकी सी किसको मिलने चाहिए
Q5 को मिलने चाहिए। ठीक है, ये पहला सी पॉप हो गया, ये रिमेनिंग सीज भी क्या हो गया, पॉप हो गए। अरे ऐसा करते गए तो क्या होने वाला है, एक टाइम ऐसा आएगा कि Q4 को इप्सिलॉन मिलेगा, तब Z0 पड़ा रहेगा, तो हम बोल देते हैं Q5 इप्सिलॉन, वो Z0 को भी बाहर निकाल दो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। पर मैं पूछता हूं आपसे कि ये स्ट्रिंग का क्या होना चाहिए, यानी n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो n 0 भी हो सकता है, तब bc नहीं आएंगे, तब a^4 यही हमारी स्ट्रिंग रहेंगी। तो बेटा ये 4 a's भी एक्सेप्ट होने चाहिए, तो बेटा 4 a एक्सेप्ट कब होंगे, 1 2 3 4, 4 a's के बाद हम क्या रहेंगे, q4 पे। यानी कि इसके बाद ऐसा हो सकता है कि अगर वो 4 a वाली स्ट्रिंग है तो q4 को अब क्या दिख जाए, इप्सिलॉन, स्टैक पे क्या हो, z0। तो इसके लिए भी लिख दीजिए कि भाई फाइनल स्टेट q5 पे चले जाइए और क्या कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए। यानी कि ये 4 a के लिए मैंने प्रोविजन लिखा। अब अगर ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या किया हुआ है, तो बेटा वो इस प्रकार से भी समझ सकता है, 2b 2c। ठीक है, स्टैक की सिचुएशन देखिए क्या हो जाएंगी। अब मैनुअल प्रोसीजर आप कर लेना, जैसे मैं लिखता हूँ वेरिफिकेशन, मैं ऐसे ही करके बता रहा हूँ, 1 2 3 4, ये चारों ए प्रोसेस होने के बाद स्टैक पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पहुँच जाने वाले हैं हम, Q4 पे। और ये Q4 को पहला बी दिखने वाला है, Q4 को बी दिखा, Z0 पड़ा है, क्या करना है, ए इंसर्ट करना है। ठीक है, Q4 को सेकेंड बी मिला, ए पड़ा है, क्या करना है, एक ए ये पुश कर देना है। अब Q4 को क्या दिखना शुरू होगा, पहला सी, पहला सी दिखा तो क्या करना है बेटा, पहला सी दिखा, ए पड़ा है, तो उसको Q5 पे जाना है और पॉप करना है, क्यू पहले सी के बाद Q5 पे जाना है और इसको क्या कर देना है, पॉप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट Q5 को सी दिखा, अब क्यू बचे हुए सी Q5 को दिखेंगे, Q5 को सी दिखा, ए पड़ा है, क्या करना है, पॉप कर देना है। ऐसा करते गए तो Q5 को इप्सिलॉन दिखेगा, Z0 ये भी निकाल दीजिए, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, वेरिफिकेशन डन, PDA गिवन, PDA m = 7 tuples आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, और एक बात कि कल चल के सपोज ऐसा आ गया AA BC, तो बेटा ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं एक्सेप्ट कैसे होगा, भाई ये पहला ए आया दूसरा ए आया, हम पहुंच गए Q1 Q2, अब मुझे बताइए ये बी किसको मिल रहा है, Q2 को बी मिल रहा है, ऐसा कोई मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं, इट मीन्स वो स्ट्रिंग पूरी प्रोसेस हो ही नहीं सकती। अरे भाई स्ट्रिंग प्रोसेस हो ही नहीं सकती इन ट्रांजेक्शन के थ्रू, वो अगर पूरी तो फिर इसका मतलब वो स्ट्रिंग क्या हो गई, रिजेक्टेड। अरे आई बात समझ में, तो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कौन सी होंगी, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग विथ 4 a's एंड देन इक्वल नंबर ऑफ b's फॉलोड बाई इक्वल नंबर ऑफ c's वाली। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट PDA फॉर द लैंग्वेज l = a^2 and b^2 twice n where n > 1। मुझे बताइए यहाँ पे होने वाला क्या है, यानी स्ट्रिंग्स किस टाइप की आने वाली है। देखिए a की पावर n है तो b की पावर 2n है, यानी एक a के पीछे 2b, अच्छा 2a आ गए तो 4b, अरे आ रही है बात समझ में, अच्छा 3a आ गए तो 3 × 2 कितने 6, कितने 6, यानी कि ट्वाइस नंबर ऑफ b's आने चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा बाय यूजिंग स्टैक, सो देट मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाते हैं हम यहाँ पे, मुझे बताइए कि ये जैसे ही a के आया मैं क्या कर देता हूँ, 2 capital A's पुश कर देता हूँ, और फिर एक b के लिए एक a को हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। यानी कि सपोज कल चल के अगर 10 a's आते हैं, ठीक है, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, हर एक a के लिए 2 capital A पुश कर रहा हूँ, यानी कि 20 capital A's पुश हो गए। अब मैं एक b के लिए 1 capital A पॉप करता हूँ, अगर ऐसा करते गए स्टैक एम्प्टी हो गया तो वो जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड वाली है वो स्ट्रिंग सभी एक्सेप्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा करते गए तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके बताता हूँ। AA 4 times b, बहुत ही सिंपल है, यानी कि Z0 a आया, बेटा 2a पुश कर दिए मैंने, ठीक है, दूसरा a आया, फिर से मैंने 2a पुश कर दिए, अरे b आया, एक a पुश पॉप किया, एक b को देख के एक a निकाला, एक b को देख के एक a निकाला, एक b को देख के एक a निकाला, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। इधर कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है यार, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मुझे बताइए Q0 को इनिशियली a मिला तब Z0 रहेगा, अरे भाई जब Z0 रहेगा तो करना क्या है, ये a को देख के वहाँ पे 2a पुश करना है, क्या करना है, ये Z0 को पहले 2a पुश करना है। चलिए ये तो पहले a की बात हुई, रिमेनिंग एज के लिए बेटा, रिमेनिंग एज के लिए स्टैक पे आपको कैपिटल ए दिखेगा, ये तो पहला ट्रांजेक्शन था, ये रिमेनिंग एज के लिए, अरे भाई इसके लिए भी करना क्या है, इसके लिए भी हमें ये ए के पहले 2 capital A's पुश करने हैं, बात खत्म,
ऐसा करते गए तो A's खत्म हो गए, फिर पहला B आया, पहला B दिखेगा Q0 को, ठीक है, तब स्टैक पे क्या रहेगा बेटा, A ही रहेगा, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड वाली है तो, ठीक है। अच्छा करना क्या है, पॉप करना है, पर मैं बोल देता हूँ स्टेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि एक बार बी आना शुरू हो गए तो फिर बी आना चाहिए, एक बार बी शुरू होने का फिर से ए नहीं आने चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्टेट चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो भाई Q1 इप्सिलॉन यानी कि मैंने क्या कर दिया, बी को देख के ए को पॉप किया, ठीक है, पर मैंने स्टेट भी चेंज कर दी क्योंकि ये पहला बी था। अरे भाई ऐसा अगर हमने कर दिया Q1 कर दिया तो भाई रिमेनिंग बीस किसको देखेंगे, Q1 को, क्योंकि मैंने पहले बी को देख के स्टेट Q1 कर दी, तो बेटा अब Q1 को बी दिख रहा है ए पड़ा है, तो करना क्या है बेटा, पॉप करना है, यानी कि बेटा ये क्या हो गया, पहला बी रिमेनिंग बीस यानी सब पॉप हो गए। अरे ऐसा चलते गए तो एक सिचुएशन आएंगी, Q1 को क्या दिखेगा इप्सिलॉन, Q1 को इप्सिलॉन दिखेगा, तब स्टैक में क्या रहेगा Z0, तो हमने बोल दिया बेटा इसको भी क्या कर दो Q1, Q1 इप्सिलॉन ही कर दो, बात खत्म, ट्रांजेक्शन्स हो गए, वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड मशीन PDA आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, आप वेरिफिकेशन और रिक्वायर्ड PDA m equals to this लिख लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे n is greater than equals to 1 है, मिनिमम यहाँ पे जो स्ट्रिंग आएंगी वो a b b आएंगी, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आने वाली नहीं है, उसका प्रिकॉशन लेना नहीं है। अगर सपोज n is equal to greater than equals to 0 भी रहता था तो हम क्या कर देते थे, q0 को epsilon दिखा, z0 दिखा, तो q1 पे जाओ epsilon कर दो, बात खत्म, z0 निकाल देते थे डायरेक्ट, Q0 को ये दिखा, Z0 पड़ा है, Q1 epsilon लिख देते थे, पर वो ट्रांजेक्शन की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि n is greater than equals to 1 है, मिनिमम स्ट्रिंग हियर इज a b b, ठीक है, कीजिए कॉपी। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंस्ट्रक्ट PDA फॉर द लैंग्वेज। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या चालू है, PDA यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ PDA चालू है, और उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन्स कैसे लिखे जाते हैं। तो मुझे बताइए ये एल इक्वल्स टू ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन, सी रेस टू पावर एन, वेयर एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, यानी कि यहाँ पे किस टाइप की स्ट्रिंग्स आने वाली है। देखिए ये ए की पावर और सी की पावर सेम है, यानी कि अगर मैंने बोला भाई तीन ए एक बी तो तीन सी, यानी कि जितने ए आने चाहिए उतने क्या आने चाहिए, सी आने चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में, तो मुझे बताइए, अच्छा बी बी तो कितने भी आ सकते हैं, तो बेटा बी क्या कितने भी आ सकते हैं, तो B के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, B के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पहला B आया तो हम क्या कर देंगे, स्टेट चेंज कर देंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम क्या करने वाले लॉजिक कि पहले के A और ये पीछे के C सेम होने चाहिए, तो हम A के लिए कैपिटल A पुश करेंगे, C के लिए वो C को पॉप करेंगे, और B कितने भी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कर देंगे। स्टेट चेंज भी इसलिए क्योंकि एक B होना जरूरी है, क्योंकि M और N greater than equals to 1, यानी एक तो भी B बीच में आना ही चाहिए, ठीक है, इसके लिए सिर्फ। तो देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, इस टाइप की स्ट्रिंग्स आनी चाहिए, डेल्टा Q0 को मैं बोलता हूँ A मिला, स्टैक पे Z0 पड़ा है, तो करना क्या है, Q0 A Z0, यानी कि मैंने A पहला A आया उसको Z0 दिखेगा स्टैक पे, हमने A पुश कर दिया, ये पहले A के लिए, Q0 को A दिखा A पड़ा है, तो बेटा ये हो जाएगा Q0 A A, यानी कि ये बाकी सभी A के लिए, ये हमने लगाया बाकी सभी A के लिए लॉजिक। देन ऐसा करते गए तो Q0 को एक टाइम आएगा जिसको क्या दिखेगा, B दिखेगा। अरे B दिखा तो मैं बोलता हूँ स्टेट क्या कर दो, चेंज कर दो, और कुछ भी इंसर्ट या फिर यानी पुश या फिर पॉप कुछ नहीं करना है, तो स्टैक की सिचुएशन मैंने एज इट इज रखा, भाई टॉप पे ए है तो उसी ए को ए ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा ये काय के लिए प्रोविजन भाई, एक बी के लिए, तो बेटा अब बाकी सब बी किसको देखेंगे, बाकी सब बी Q1 को देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे ही पहला बी आया मैंने स्टेट चेंज कर दी है, ठीक है, तो बाकी सभी बीस के लिए भी क्या करना है भाई, Q1 A, यानी कि स्टैक को कुछ भी नहीं करना है, पुश भी नहीं करना है, पॉप भी करना है, सभी भी जितने भी आए वो क्या हो जाने चाहिए, एज इट इज प्रोसेस हो जाने चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में, पर अब ऐसा करते गए तो बेटा Q1 को क्या दिखेगा, C, स्टैक पे A पड़ा है, तो बेटा अब क्या करना है, पॉप करना है, तो बेटा ये हो जाएगा Q1 इप्सिलॉन, तो इस ट्रांजेक्शन से जितने भी C है वो सबके सब क्या हो जाएंगे, जितने भी सी है वो सबके सब प्रोसेस हो जाएंगे, और ये ट्रांजेक्शन बार बार यूज होके स्टैक हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। स्टैक एम्प्टी हो गया तो बेटा एट लास्ट Q1 को क्या दिखेगा, इप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या दिखेगा, Z0, तो ये Q1 इप्सिलॉन यानी Z0 भी हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अरे आ रही है बात समझ में, अगर नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बाय यूजिंग स्टैक मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, तीन ए, ठीक है, देखिए ये पहला ए, ये ट्रांजेक्शन,
फिर दूसरा तीसरा ए के लिए ये ट्रांजेक्शन दो बार रन हुआ, ठीक है, हो गए तीन ए पुश। उसके बाद बी, बी तो बेटा ए की है, क्यू जीरो को बी दिखा, ए पड़ा है, तो क्यू वन ए, यानी कि स्टेट चेंज हो गई सिर्फ और सिर्फ क्यू वन, और क्या करना है, कुछ भी चेंज करना नहीं है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा बी तो है नहीं ये स्ट्रिंग में, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के प्रोसेसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्यू वन को सी दिखा, ए पड़ा है, बेटा क्यू वन को सी दिखा, ए पड़ा है, तो सी तो तीन है, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, पॉप, और एट लास्ट हमें ये दिखेगा, ये करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाएंगी, स्टैक एम्प्टी हो गया, इट मीन स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। हाँ, और एक बात कि ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसका वेरिफिकेशन और पी डी एम इक्वल्स टू सेवन टपल्स की उसकी डेफिनेशन, ठीक है, सेवन टपल्स लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि हर बार आप लिखते हो, लास्ट क्लास में भी आपने देखा था, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।